जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर सुपौल जिला के किशनपुर थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां किशनपुर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि NH-57 के रास्ते शराब की बड़ी खेप जाने वाली है। किशनपुर थानाध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई करते हुए NH-57 कुपाहा टोल प्लाजा के समीप एक संदिग्ध ट्रक खड़ी से पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो ट्रक को थाने ले जाकर तलाशी जब ली गई तो ट्रक में रखे वाटर प्यूरिफायर मशीन के नीचे छिपाकर 626 कार्टून लगभग 5,580 लीटर आसाम राज्य से निर्मित शराब बरामद की, जिसके बाद ट्रक चालक एवं एक अन्य व्यक्ति को शराब के मामले में गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गए। जगत न्यूज 24 के लिए सुपौल से ईद मोहम्मद की रिपोर्ट। पकड़ाया है तो हमारा शराब का ये किशनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। गुप्त सूचना के आधार पर फोर लेन है, उसी पर एक ट्रक जो है पकड़ा गया है और ट्रक में जैसा कि देख रहे होंगे कि ये वाटर फिल्टर का एक डुप्लीकेट वाटर फिल्टर का मशीन नुमा बनाया हुआ है और अंदर पूरा बॉक्स है। बॉक्स में पूरा का पूरा शराब जो है भरा हुआ था। ये अरुणाचल प्रदेश में निर्मित शराब है और अरुणाचल प्रदेश में ही बिक्री के लिए ये था, लेकिन इसको गलत तरीके से बिहार लाया गया और यहाँ पे किशनपुर में हम लोग फोर लेन पर पकड़े हैं। इसको दो लोग थे इसमें, जो ड्राइवर और जो उप चालक होता है, दोनों को पकड़ा गया। और भी क्या इसमें कुछ खुलासे होंगे क्या? बाकी जो है हम लोग जो अपना टेक्निकल एविडेंस है और इन लोगों से पूछताछ के आधार पे आगे हम लोग का प्रयास रहेगा कि इसके जो पूरा चेन है, इसका सप्लाई चेन, उस तक पहुंच पाए। क्या अब सामने आया है कि कहां ये शराब को खेप जो है कहां पहुंचानी थी? अभी हम लोग बस इन्वेस्टिगेशन में ही है।